कि आगे क्या कर सकते हैं, आगे मुझे करना क्या है, किस तरह की नौकरी करनी है या फिर किस तरह की आगे पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे पढ़ाई तो 6-7 साल चलेगी और ज्यादा से ज्यादा, यू ऑल वर्क फॉर मैग यू ऑल स्टडी मैक्सिमम फॉर अबाउट 3-4 6-7 ईयर्स, बट एक्चुअली यू विल वर्क फॉर मेनी मोर ईयर्स। यानी जो काम करने की जो का जो पीरियड है, जो अवधि है, वो 30 से 40 साल रहेगी आपकी जिंदगी भर। आप किसी न किसी पेशे में, किसी न किसी नौकरी में आप काम करोगे, तो और वो जो काम करोगे आप, जैसे कोई सेल्स मैनेजर बन गया, जैसे कोई अकाउंटेंट बन गया, है ना, जैसे कोई टीचर बन गया, तो वो जो काम करोगे वो उसकी जो नींव है या ना उसका जो फाउंडेशन है वो अभी सेट होगा ना। आप जिस तरह की अभी डिग्री करोगे, जिस तरह की पढ़ाई करोगे, उसके बेसिस पे ये सेट होगा, ठीक है। तो और ये डिसाइड करना आप, ये आप टिपिकली अभी 9th 10th या 11th 12th इस स्टैंडर्ड में टिपिकली आप इसका चयन करोगे, तो ये कैसे करें, ये कैसे चयन करें कि ऐसी नौकरी ढूंढे या फिर ऐसा कोर्स ढूंढे जो आपको बिल्कुल अच्छा लगता हो या आपको आपको सूट करे और आगे जाके आपके लिए फायदेमंद हो और आप उसमें सक्सेसफुल बने। तो ये हमारा विषय रहेगा आज का। इस विषय में बात करने के पहले, सबसे पहले तो ये बात मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात ये है कि आप अपने आसपास देखिए दुनिया में, तो अलग अलग किस्म के लोग दिखेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे अभी न्यूज में जैसे लोग हैं, जैसे मनु भाकर ले लीजिए, शूटिंग की स्टार है, या अभी आज इलेक्शन के का न्यूज देख लीजिए, आज सुबह से महाराष्ट्र में इलेक्शन का रिजल्ट माहौल है, तो वहां पे देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस देख लीजिए, या फिर आप सिंगिंग और म्यूजिक की दुनिया में देख लीजिए तो श्रेया घोषाल हो गई, क्रिकेट में देख लीजिए या विराट कोहली हो गए, राइट, रोहित शर्मा हो गए, अभी यशस्वी जायसवाल हो गए, बिजनेस में देख लीजिए तो आजकल इसी हफ्ते काफी न्यूज में चर्चा में थे गौतम अदानी जी, और एक हस्ती काफी न्यूज़पेपर और ट्विटर में काफी छाए रहते हैं, जैसे चेतन भगत हो गए, राइट। तो इन लोगों के नाम पे आप इनको इनको देखोगे तो आपको एक चीज ये जरूर समझ में आएगा कि ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। ये बहुत ही यशस्वी लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मुकाम हासिल की है, और लेकिन एक चीज आप देखोगे कि ये सारे अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। कोई एक फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है। मनु भाकर जी स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हुई हैं, तो उन्होंने पूरा अपनी अपनी यूथ और वॉट एवर हाई स्कूल से लेके जितना भी समय है वो अपने स्पोर्ट्स में डेडिकेट किया है। श्रेया घोषाल जी सिंगिंग में सक्सेसफुल ही है, तो उन्होंने करीब पिछले 10-15 साल उन्होंने अपना पूरा जिंदगी सिंगिंग में लगाया है और उसमें सक्सेसफुल ही है। इसी तरह हर हर पर्सन, गौतम अदानी जी ले लीजिए या क्रिकेटर्स ले लीजिए, यशस्वी जायसवाल ले लीजिए, अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल हुए। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये सोचना है कि जिंदगी में जो सक्सेस पाते हैं वो एक ही फील्ड में नहीं होते, वो अलग अलग फील्ड्स में आप सक्सेस पा सकते हो, और जिस फील्ड में आपकी रुचि होगी और जिस फील्ड में आप सूट करोगे उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, और किसी एक फॉर्मूला में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, और किसी एक फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला नहीं है सक्सेस पाने के लिए या फिर जिंदगी में सफल होने के लिए। ये एक बात आप लोगों को समझनी होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी ये धारणा होती है कि बस एक ही चीज करोगे तो सक्सेसफुल होंगे, या तो फिर आप बिजनेस में चले जाओ, या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, या फिर डॉक्टर बन जाओ, बस यही है सक्सेस के मायने। तो ये ऐसा नहीं है, आप अपने आसपास जिंदगी में देखोगे तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लोग सक्सेसफुल रहते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिए। और ये लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी
जो निजी रुचि है उनके, जो उनका जो इंटरेस्ट है वो उनके उस हिसाब से उन्होंने अपने काम किया है आगे, और इसलिए वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बच्चे, हम लोग जब बचपन में रहते हैं, जैसे मैं जब छोटा था तो हम लोग ऐसे बड़े बड़े सपने देखते थे, ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे सोल्जर बनना है। तो ये जो आप सपने देखते हो, ये सब सपने साकार होंगे कि नहीं, कि ये सब सपने ही रह जाएंगे, करेक्ट? तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है आपके दिमाग में। तो इसके लिए एक मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग गूगल करके देखिए, एक व्यक्ति है नागपुर में जिनका नाम है श्रीकांत पंतावने, ओके, इनका नाम है श्रीकांत पंतावने, आप इनको गूगल करके देखिए इनके बारे में। तो श्रीकांत पंतावने एक एक्चुअली ऑटो ड्राइवर थे नागपुर में, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से वो अभी इंडिगो एयरलाइन में पायलट बने हुए हैं। तो उनका एक एक गूगल में देखोगे तो उनके दो पिक्चर दिखेंगे आपको, एक में वो ऑटो चला रहे हैं बचपन में यानी युवा अवस्था में, और उसके बाद दूसरे पिक्चर है जहां पे वो एक एयरक्राफ्ट में बैठ के प्लेन चला रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है और बड़ी अचंभे की बात है, राइट? बहुत सरप्राइजिंग बात है कि कोई ऑटो चलाने वाला कैसे पायलट बन गया, राइट? तो इसके पीछे कहानी ये है कि श्रीकांत ने अपनी 10th बोर्ड पास की, और 10th बोर्ड के बाद, और वो कोई ऐसे साधारण से परिवार का लड़का था, और ज्यादा कोई बहुत पैसे नहीं थे घर में, और 10th बोर्ड में उसके बहुत कोई अच्छे नंबर भी नहीं आए थे, राइट? लेकिन वो जब हाई स्कूल में था तो उसको बहुत जैसे जब भी आसमान में देखता था कोई कोई प्लेन उड़ता हुआ दिखता था उसको, तो उसको बहुत इच्छा होती थी कि पायलट बने। तो ये उसकी बड़ी चाह थी। तो 10th बोर्ड में उसको कोई किसने बताया नहीं कैसे पायलट बनना है, तो उसको समझ भी नहीं आया। तो 10th के बाद उसको फिर आगे स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए भी उसमें इतनी ये नहीं थी, घर में पैसे कम थे, तो उसने कुछ ऐसी छोटी मोटी नौकरी शुरू कर ली, नौकरी शुरू कर ली, एंड साथ साथ उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तो जो उसके सपने थे पायलट बनने के, वो तो वहीं पे रह गए, अभी ऑटो चला रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने किसी ऑटो में बिठा के किसी पैसेंजर को वो नागपुर एयरपोर्ट ले गया, और जैसे ही नागपुर एयरपोर्ट पहुंचा और अपने पैसेंजर्स को उसने ड्रॉप किया, तो वहां पे उसने ऐसे तीन चार पायलट्स और जो एयरलाइन के क्रू होते हैं उनको देखा, जो यूनिफॉर्म में थे, उनने अपनी कैप स्मार्ट सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, कैप पहना हुआ था। तो जैसे ही उसने ये देखा, उसका जो सपना था पायलट बनने का वो फिर से उभर के ऊपर आया, वो जाग गया। उसको लगा कि यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑटो चला रहा हूँ लेकिन मुझे तो पायलट बनना था। तो वो उसने अपनी ऑटो रोकी वहां पे, और वो जाके वो जो ऑफिसर्स थे, जो लोग थे वहां एयरलाइन के यूनिफॉर्म में थे, उनसे जाके उन्होंने पूछा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम बन सकते हो, तो पहले तो तुमको उसके लिए 12th बोर्ड पास करनी पड़ेगी, तुमने अभी 10th की है तो तुमने ब्रेक लिया है अभी, तो तुमको 11th 12th फिर से लिखना पड़ेगा और 12th बोर्ड पास करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक्चुअली इंदौर में एक फ्लाइंग स्कूल है, गवर्नमेंट का एक फ्लाइंग स्कूल है जहां पे फ्लाइंग सिखाते हैं, ये ना पायलट कैसे बनना है, वो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे एडमिशन लेना होगा तुम्हें, तो वो एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो वो एंट्रेंस टेस्ट लिखो। तो ये जैसे ही श्रीकांत ने सुना तो उसका तो पूरा दिमाग ही घूम गया, उसने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी ऑटो चला रहा हूं और इन्होंने मुझे भी एक पाथ दिखा दिया उन्होंने कि कैसे मैं पायलट बन सकूं। तो उसका जो बचपन का जो सपना था वो उसके दिमाग में ही था। तो इमिडिएटली वो घर आया एंड उसने अपनी 11th की एडमिशन ली प्राइवेट में, इवनिंग क्लासेस उसने कंप्लीट की, और इवनिंग वो दिन में ऑटो चलाता था, शाम को ये पढ़ाई करता था। और उसका सपना जो था वो इतना सपना साकार करने का उसका इतना जोश था कि
कि उसने बहुत मेहनत की, शाम रात में बहुत मेहनत से पढ़ाई की, और उसने 12th बोर्ड में एक्चुअली ओपन कैंडिडेट जो होते हैं उन वैसे अप्लाई किया 12th बोर्ड में, और उसने 12th बोर्ड नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उसने टॉप किया। तो सोचो जो लड़का 10th बोर्ड में उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन 12th बोर्ड में वो टॉपर निकला। और टॉपर इसलिए था कि उसके दिमाग में उसका जो पैशन था, उसका जो गोल था, उसका जो ड्रीम था, उसके जो सपने थे वो उसमें उसके सामने उसके थे। तो उसने फिर 12th बोर्ड पास की, और जैसे उसको उन पायलट्स ने जो एयरपोर्ट में बताया था कि इंदौर में फ्लाइंग स्कूल है, उसमें उसकी एप्लीकेशन की उसने, और वहां पे एंट्रेंस लिखा, उसकी एडमिशन हो गई। और उसको बड़ी मेहनत लगी वहां पे फ्लाइंग स्कूल में, क्योंकि उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो उसने पैरेलली इंग्लिश सीखी, और फाइनली 4-5 साल बाद उसको इंडिगो में नौकरी लगी, एंड इंडिगो में वो पायलट बन गया। तो ये श्रीकांत पंतावने की स्टोरी है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आप लोग भी श्रीकांत पंतावने जैसे आपका सपना साकार कर सकते हैं। आप जो आज बैठे बैठे सोच रहे हैं बच्चों क्लासेस में कि मैं आगे बन के ये बनूंगा ये बनूंगा, ये सब साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे श्रीकांत को पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है, बट वो जो पायलट में जब गया, जो एयरपोर्ट में जब गया, तब किसी ने उसको बताया, सही रास्ता दिखाया। तो ये आपको रास्ता ढूंढना है, और उससे आपको जो भी आपके सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। ये स्टोरी मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो फोटो देखता हूँ जैसे गूगल में कि एक एक साइड वो ऑटो चला रहा है, दूसरा एक 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 बड़ी सी एरोप्लेन चला रहा है, तो ये बिल्कुल अचंभे की बात है कि ऐसा हो भी सकता है क्या। ओके, सो आप लोग अभी 7th 8th 9th 10th इस क्लास में होंगे, तो आपकी आगे की जर्नी क्या होगी, इसके बारे में दो थोड़ी बातें करते हैं। तो 8th 9th 10th की पढ़ाई के बाद आप 10th बोर्ड लिखोगे, तो 10th बोर्ड के बाद आपको ये डिसीजन टिपिकली लेना पड़ेगा कि आप 11th 12th आप करोगे, या फिर आप डिप्लोमा करोगे, या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करोगे। ये कुछ ये एक चॉइस रहेगा आपके पास। दूसरा चॉइस ये रहेगा अगर 11th 12th करोगे कि तो साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने हैं या आर्ट्स के लेने हैं, तो सब्जेक्ट क्या लिए, ये डिसीजन होगा। 11th 12th करोगे उसके बाद ये डिसीजन होगा 12th बोर्ड के बाद कि कौन सी डिग्री लेनी है, साइंस में डिग्री लेनी है या फिर इंजीनियरिंग के तरफ जाना है या फिर कॉमर्स करना है, कौन सी डिग्री, या लॉ की डिग्री करनी है, तो ये एक चॉइस रहेगा आपके पास, राइट। या फिर 11th 12th के बाद उसके बाद भी डिप्लोमा का चॉइस है, डिग्री के बजाय डिप्लोमा करोगे, ये एक चॉइस आ सकता है आपके पास। ओके, एंड डिग्री करने के बाद फिर नौकरी नौकरी में भर्ती होगे, कोई नौकरी ढूंढोगे, या फिर आगे पढ़ाई करने का डिसीजन हो सकता है। तो अभी जैसे स्कूल स्कूल में हो, 7th 8th में आप पढ़ाई कर रहे हो या 9th 10th में पढ़ाई कर रहे हो, इसके आगे आपके सामने काफी डिसीजंस हैं, काफी आपको चीजें डिसाइड करनी है। ओके, काफी ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे स्टेज आएंगे जहां पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और ये जो मैंने 4-5 चीजें डिसीजन की बताई है, ये सब आपके सामने आएंगी। तो ये सब डिसीजन आपको लेना है, आपको या तो आपके पेरेंट्स से कंसल्ट करोगे या टीचर से कंसल्ट करोगे, बट आपको लेना है डिसीजन। तो ये डिसीजन कैसे लोगे, ठीक है, या आप कोई नौकरी करने का डिसीजन लोगे या फिर आगे पढ़ाई करने का डिसीजन लोगे, तो ये कैसे लोगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और लोडस्टार में हम बच्चों को इसी पे गाइड करते हैं कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिसीजन केवल आपके मार्क्स के बेसिस पे लोगे, या जैसे आपके कोई सपना है आपका या कोई इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे लोगे, तो किस बेसिस पे लेना है, ये एक बड़ी अहम ये अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आगे जैसे काम की बात की, नौकरी की बात की, तो कैरियर या नौकरी क्या है और स्टडीज डिग्री क्या है, इसके बारे में जरा जरा समझते हैं। तो जैसे आपने डॉक्टरों को देखा होगा, ठीक है, तो डॉक्टर हो गया आपका, आपकी नौकरी या आपका करियर, ये हो गया डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर बनने के
लिए डिग्री कौन सी पढ़नी पड़ती है? एमबीबीएस। तो एमबीबीएस हो गया आपका कोर्स। सो जो कोर्स आप पढ़ते हो डिग्री में वो अलग है, लेकिन नौकरी जो करते हो वो अलग है। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है लेकिन नाम उनके अलग है। जैसे आप फैक्ट्री में, जैसे किसी फैक्ट्री में आप काम करोगे, तो वो जैसे फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, तो वो आपकी नौकरी हो गई, वो आपका करियर हो गया, वो आपका पेशा हो गया। ठीक है, और उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ेगी वो आपको कोई डिप्लोमा करनी पड़ेगी, लेकिन मैकेनिकल में डिप्लोमा कर लिया, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर लिया, तो वो आपकी पढ़ाई हो गई, वो आपका कोर्स हो गया। सिमिलरली जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा और आप पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, तो पुलिस इंस्पेक्टर आपका नौकरी हो गया, वो आपका पेशा हो गया, और उसके लिए डिग्री कोई भी डिग्री ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं है कि पुलिस इंस्पेक्टर की कोई एक तरह की डिग्री है। और जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर में काम करना है, आईटी में काम करना है, तो आपको एक कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग डिग्री लेनी पड़ेगी। टीचर बनना है तो आपको कोई एक डिग्री करनी पड़ेगी और बीएड जैसे कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर करियर, हर पेशे के लिए जो काम है वो उसका नाम अलग है और जो कोर्स है वो अलग है। सो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे बीकॉम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बीकॉम के बाद आप किस तरह की नौकरी का चॉइस करोगे वो एक सेकेंड डिसीजन है। तो बीकॉम में एक डिग्री है, तो बीकॉम आप पूरी जिंदगी नहीं करोगे कि 21 साल 22 साल तक आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नौकरी करोगे। सो जो अभी इसके बाद 10th 12th के बाद जो आप डिग्री या डिप्लोमा करोगे वो पढ़ाई है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, उसके आगे लंबी आपको नौकरी का ये सफर शुरू होगा। तो क्या नौकरी करोगे ये सोचना सोचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की आप नौकरी चूज करना चाहोगे उसके हिसाब से आपको पढ़ाई चूज करना होगा। ठीक है, जैसे आप श्रीकांत पंतावनी की का एग्जाम्पल ले लो, उसको बनना था पायलट। ठीक है, पायलट एक पेशा है, पायलट एक नौकरी है। ठीक है, तो पायलट बनना था, तो पायलट के लिए उसने फ्लाइंग या कमर्शियल पायलट की कोर्स की। ठीक है, उसका उसकी उसके इंस्टीट्यूट में उसने भर्ती ली और उसने कोर्स किया, तो नौकरी करना था पायलट। तो इसी तरह आपको जैसे नौकरी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करना होगा। वैसे तो क्या, तो अभी आप 10th 12th में हो, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आगे बन के किस एरिया में आप नौकरी करोगे और किस फील्ड में आपको नौकरी करना है, और उसके हिसाब से आपको अपनी डिग्री चूज करनी होगी। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप ऐसे गलत डिग्री ले लोगे और गलत रास्ते पे निकल जाओगे तो फिर आपकी जो मंजिल है वो आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे आपको अकाउंट्स में करना है, फाइनेंस में करना है, या स्टॉक मार्केट में कुछ काम करना है, तो आपको शायद बीकॉम की डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद एक एमबीए फाइनेंस करना पड़ेगा। वैसे तो जिस फील्ड में आपको जाना है उसकी, आपको सोशल वर्क करना है जैसे, ठीक है, तो सोशल वर्क करना है तो सोशल वर्क की डिग्री करनी पड़ेगी। वैसे तो जो काम करना है उसका पहले आपको चयन करना होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो काम वो करोगे, तो अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आगे क्या बनूंगा और क्या नौकरी करूंगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आपको इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपनी डिग्री या फिर आगे की पढ़ाई चूज कर सकते हो। ओके, सो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में क्या उसके क्या फॉर्मूला है, तो जैसे लोडस्टार के हिसाब से हम जो फॉर्मूला बताते हैं वो ये है कि पहले आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो आप आगे अपना डिसीजन कि क्या नौकरी करोगे, क्या पेशा करोगे, क्या क्या ये इसका डिसीजन आप किसी और के सुझाव से नहीं ले सकते, किसी और के कहने से नहीं ले सकते, यानी आपके बड़े भाई या बड़ी दीदी या आपके कोई एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, उन्होंने कोई करियर चूज किया है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी वही कर लूंगा, वो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक यूनिक अलग पर्सनालिटी हो, आप एक आपका व्यक्तित्व, आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है,
आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है करना पड़ेगा वो ये है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी क्या खूबियां हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। बाकी लोगों को की बात सुन के वो जो काम के बारे में बोल रहे हैं उनको उसी को सुन के आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आप क्रिकेट में ले लीजिए यशस्वी जायसवाल और या फिर शुभमन गिल, इनको किसने बोला होता कि आप बन जाइए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो तो पूरे फ्लॉप हो जाते, राइट। उनकी रुचि थी क्रिकेट में, उनका टैलेंट था क्रिकेट में, वो अगर जाके पढ़ते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर वो पढ़ते MBBS डॉक्टर बनने के लिए, तो वो तो उसमें पूरी फ्लॉप हो जाते, ठीक है। तो इस तरह जो जिस व्यक्ति जो जो हर एक व्यक्ति एक काम के लिए बना है, तो वो उसका चॉइस करने के लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपकी खूबियां क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। सो पहले तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने आप को पहचानने के बाद, अपने स्ट्रेंथ्स को जानने के बाद, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नौकरी किस चीज की करनी है आगे जाके, ओके। और वो पहले डिसाइड, वो नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना है। और नौकरी डिसाइड करने के बाद उस नौकरी तक पहुंचने के लिए या फिर उस काम तक पहुंचने के लिए क्या क्या पढ़ाई की जरूरत है वो डिसाइड करना है, ठीक है। और इसके बारे में हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, ठीक है। तो पहले अपने आप को जानिए, उसके बाद करियर या नौकरी की डिसीजन लीजिए, और उसके बाद एजुकेशन की डिसीजन लीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, यानी अपने आप को पहचानने के बजाय सीधे जो भी आसपास स्टूडेंट्स फ्रेंड्स चॉइस कर रहे हैं वही डिग्री ले लेते हैं और वही पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, वो डिग्री शुरू कर देते हैं, और वो डिग्री पढ़ने के बाद 3-4 साल के बाद एक एक दिशा में चल पड़े, उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि अच्छा अब काम क्या करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर वो आगे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो शायद जो आप काम करना चाहते हैं उसके उससे कोई मेल ही नहीं खाता होगा या फिर मैच नहीं होता होगा। वैसे तो ऐसे बहुत लोग फंस जाते हैं, गलत डिग्री करके फंस जाते हैं, एंड उसके बाद जिंदगी में बाद में पछताते हैं या फिर बाद में चेंज करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो ये तो खुद अपने आप को पहचानने के लिए क्या पैरामीटर्स की देखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि आपको सोचना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और दूसरी बात आपका इंटरेस्ट क्या है, और तीसरी बात आपकी आपके स्किल्स और नॉलेज क्या है, और आपकी आकांक्षा क्या है। तो ये चारों चीज मैं जरा सरल तरीके से समझाता हूँ। पर्सनैलिटी वो चीज है जो आपकी बेसिक नेचर है, ठीक है। जैसे आप शाई हो गए, या फिर आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए, या फिर आप क्रिएटिव पर्सन हो गए, जो आपकी जो खूबी है, अंदरूनी खूबी है, वो पर्सनैलिटी है, ठीक है। और एप्टीट्यूड और स्किल है जिस काम में आप में कोई टैलेंट हो, ठीक है। जैसे आपको क्रिकेट अच्छा खेलना आता हो, या फिर आपको हिंदी में बोलना अच्छा आता हो, या फिर लैंग्वेजेस में पकड़ हो, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छा अच्छा आता हो, या फिर आप दोस्ती अच्छा कर पाते हो लोगों से, राइट। या जिसमें टैलेंट हो, या फिर आप कंप्यूटर्स अच्छी तरह से कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हो, या फिर आप मैथ गणित बहुत अच्छा करते हो, ये स्किल हो गया, ये सेकेंड पैरामीटर हो गया। इंटरेस्ट और पैशन है जहां पे आपकी बहुत रुचि हो, बहुत जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में अच्छा हो सकते हैं लेकिन आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये तो अलग है। जो चीज अच्छा लगता है वो आपका इंटरेस्ट हो गया, वो पैशन हो गया। जैसे अभी भी, जैसे हमारे भी जैसे दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, काफी लोग ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, और लेकिन उन इतने क्रिकेट के शौकीन है कि कोई मैच चल रहा हो तो काम को छोड़ के वो अपने कमेंट्री देखने में या फिर व्हाट्सएप में कमेंट्री कमेंट नो कमेंट्स करने में जुट जाते हैं। तो उनको क्रिकेट में की बहुत पैशन है, लगाव है क्रिकेट में, ठीक है। तो वैसे तो ये थर्ड चीज होगी, इंटरेस्ट और पैशन आपकी किस चीज में है, ठीक है। घूमने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या एनिमल्स में इंटरेस्ट हो सकता है आपका, मशीन्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी भी चीज़, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है,
राइट, बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ये इंटरेस्ट हो गया आपका। और चौथी चौथी चीज है एस्पिरेशन, यानी आकांक्षा, यानी आपकी लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, बड़ी चीज जो करना चाहते हो, ठीक है। तो इस सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका उनकी एक अगर पर्सनैलिटी अगर हम एनालाइज करें तो उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, एक वो बहुत ही हम्बल थे, ठीक है, और दूसरी वो बहुत ही क्यूरियस थे, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाले पर्सन थे। और क्यूरियस इसलिए थे क्योंकि वो हजारों विषयों में उनका ज्ञान था और हजारों विषयों की चीजों को जानना चाहते थे वो, ऑलवेज ही विल बी ऑलवेज कीन टू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो इज वेरी क्यूरियस, वेरी हम्बल, एंड ही इज सो दैट्स हिज पर्सनैलिटी। वॉट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हो गया जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ हो, तो उनकी साइंस में स्ट्रेंथ थी, मैथ्स में स्ट्रेंथ थी वो, और टेक्नोलॉजी में उनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो बड़े उसमें माहिर थे, बड़े स्ट्रांग थे, ठीक है। उनका पैशन क्या था, पैशन था देश सेवा करना, पैशन था कि कुछ देश के लिए बड़ा करना, ठीक है, ये उनका पैशन था। उनका एस्पिरेशन था कि डिफेंस में किसी में बड़ी इनोवेशन करे, करियर शुरू की थी वहां का, एप्टीट्यूड ये से। जैसे आप विराट कोहली का ले लें, तो विराट कोहली का पर्सनालिटी क्या है, हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड ऐसे पर्सन। सेकेंड थिंग इज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप की पर्सनालिटी है। उनका पैशन क्या है, क्रिकेट है, उनका पूरा जीवन, पूरा सब सब कुछ क्रिकेट है, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ किस चीज में है, स्ट्रेंथ बैटिंग में है, और स्ट्रेंथ है उनकी फिटनेस रनिंग, उसमें उसकी उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उनका एस्पिरेशन क्या है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बने, ठीक है। तो इस तरह से, तो आपको इसी तरह से आपको अपने आप में झांक के देखना है, या तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं, या अपने टीचर के साथ बैठ सकते हैं, या फिर किसी आपके बड़े मेंटर हैं, गाइड हैं, उनके साथ बैठ के आप अपनी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एस्पिरेशन आप अपना एक एक पेपर भी लिख लें। ये लिख लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप जिंदगी में आगे करना चाहोगे और किस चीज में आप फिट करोगे। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता, हर व्यक्ति हर चीज में सक्सेस नहीं हो सकता। आपकी कोई खूबियां हैं, आपकी कोई स्पेशल पर्सनालिटी है, पैशन है, एप्टीट्यूड, एस्पिरेशन है, तो उससे एक कॉम्बिनेशन से आप एक फील्ड में बिल्कुल पक्का सक्सेस होगे, तो ये आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो बात की है, इस बात पे बात की कि आगे जैसे आप बढ़ते रहोगे, एक से एक क्लास से दूसरे क्लास आगे काफी इंपॉर्टेंट स्टेजेस आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट डिसीशंस आएंगे, इसके बारे में हमने बात किया। और ये डिसीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस ये डिसीशंस आपके पूरे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आप लाइफ में 30-40 साल काम करोगे तो ये जो करियर आप स्टडीज कर रहे हो, ये सब वर्क के तरफ जा रहा है, और वो जो 30 साल 40 साल की जो पीरियड है उसको इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसीजंस कैसे लेना है उसके बारे में, क्या फैक्टर्स लेने हैं उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है, अभी तक। अब हम आगे ये देखेंगे कि अभी 10th में हो तो आगे आपके क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो 10th क्लास में अगर हो तो आपके 10th में, 10th बोर्ड आपने अगर कंप्लीट किया है तो 10th वहां से तीन तरह के आपके चॉइसेस बन सकते हैं। पहले तो आप वोकेशनल कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 6 3 मंथ 6 मंथ्स, और ये इसमें इमीडिएटली आप ये कोर्सेज करके एक काम में लग जा सकते हो, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है वोकेशनल कोर्सेज। सेकेंड पाथ ये हो गया कि आप डिप्लोमा कर सकते हो, तो डिप्लोमा 3 साल की डिग्री, 3 साल का कोर्स होता है, तो ये थोड़ा लंबा लंबी पढ़ाई होगी, बट 10th के बाद ही आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है। और डिप्लोमा करने के बाद भी आप नौकरी ले सकते हो, ठीक है। तो तीसरा चॉइस ये हो गया कि 10th के बाद आप 11th 12th, यानी हायर सेकेंडरी की स्टडी करो, 11th 12th की स्टडीज करो,
या फिर पढ़ाई जारी रखो, ओके, इलेवेंथ ट्वेल्थ करो, एंड उसके बाद ट्वेल्थ बोर्ड लिखो, और ट्वेल्थ बोर्ड के बाद फिर आप या तो फिर से डिप्लोमा में एंट्री ले सकते हो, या फिर आप आगे और पढ़ाई करने की का डिसीजन ले सकते हो कि ट्वेल्थ बोर्ड के बाद और पढ़ाई करेंगे और तब डिग्री आप ले सकते हो, ठीक है, डिग्री चॉइस कर सकते हो। सो टेंथ में अगर आप हो तो आपके पास थ्री चॉइसेस हैं, वोकेशनल डिग्री कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर आप प्लस टू करके आगे ट्वेल्थ बोर्ड लिख सकते हो, और ट्वेल्थ बोर्ड के बाद आप अगर फिर से वहां उसके बाद भी आप चॉइस आएगा, आपके पास आप डिग्री डिप्लोमा कर सकते हो या फिर डिग्री ले सकते हो। तो ये तीनों में क्या फर्क है, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है और क्या, उसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। तो जैसे आपने वोकेशनल, पहले पहला ऑप्शन है वोकेशनल, सो वोकेशनल ये सब शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के कोर्सेज होते हैं, और इन कोर्सेज में स्किल बिल्डिंग होता है, तो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं ये कोर्सेज, और ये करने के बाद इमीडिएटली आपको एक नौकरी लग सकता है। यू कैन बिकम लाइक अ इलेक्ट्रिशियन, टीवी मैकेनिक, ब्यूटिशियन, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, हाउसकीपिंग में, डेटा एंट्री में, ऐसे काफी कुछ 200 300 एरियाज हैं जहां पे आप ये वोकेशनल कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। तो ये हो गया वोकेशनल कोर्सेज का। इसका एडवांटेज ये है कि छोटा कोर्स है, प्रैक्टिकल टाइप की ट्रेनिंग है, एंड इमीडिएटली नौकरी लगने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिप्लोमा। डिप्लोमा 3 साल, 3 साल के कोर्स होते हैं, वो भी प्रैक्टिकल होते हैं, तो जहाँ पे इमीडिएटली उसके बाद नौकरी लगने का चांस होता है। सो डिप्लोमा जैसे सिविल में मैकेनिक हो गया, डिप्लोमा मैकेनिकल में हो गया, केमिकल में हो गया, कंप्यूटर्स में डिप्लोमा कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में जैसे पैथोलॉजी में कर लिया, नर्सिंग में डिप्लोमा हो गया, डायलिसिस में हो गया, ऐसे नॉन टेक्निकल देख लो तो होटल मैनेजमेंट में हो गया, रिटेल में हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म में डिप्लोमा हो गया, बैंकिंग में डिप्लोमा अवेलेबल है। तो ये सब डिप्लोमा के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये आप डिप्लोमा 3 साल की कर सकते हो, उसके बाद इमीडिएटली आप उन उन फील्ड्स में नौकरी लग सकता है, ठीक है। तो ये दो, ये हो गया। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 महीने से 1 साल के कोर्सेज हैं और वोकेशनल वाले, और डिप्लोमा 3 साल के डिप्लोमा डिग्रीज हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, और ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज वोकेशनल अभी देश में कुछ 300 400 टाइप के हैं, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में है, हॉर्टिकल्चर फील्ड में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, बहुत सारे, फुटवेयर टेक्नोलॉजी ले लो, 3D एनिमेशन में ले लो, फोटोग्राफी में ले लो, बहुत सारे फील्ड्स में है। आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, आपको पता चल जाएगा किस तरह के कोर्सेज हैं, और जो आपको सूटेबल लगे, आपकी जो एनालिसिस है, जैसे आपकी जो एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से आपको जो सूटेबल लगे आप वो दे सकते हो। कहाँ पढ़ सकते हो ये सब? ITIs में पढ़ सकते हो, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ सकते हो, ऐसे वाले बहुत सारे गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट के भी कॉलेजेस हैं, वहां ये कर सकते हो कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा और डिग्री का एडवांटेज ये है कि सब जॉब ओरिएंटेड है कोर्सेज, तो स्पेसिफिक जो आप ट्रेनिंग लेते हो उससे आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो एक 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 किसी इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए। जैसे आपने होटल मैनेजमेंट में की उसकी डिप्लोमा की, तो इमीडिएटली आप होटल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए तैयार रहते हो। सो ये आपकी ये एडवांटेज है, ठीक है। तो इन एनी ऑफ दीज कोर्सेस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है, आप काम सीखते हो और आप इमीडिएटली तैयार हो सकते हो, ठीक है। अब थर्ड चॉइस क्या है कि आप हायर सेकेंडरी करो, यानी आप 11th एंड 12th जो जाओ, तो 11th एंड 12th अगर आप करोगे 10th के बाद, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, आपको चूज करना होगा, तो उसमें 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ब्रॉडली है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। तो आप साइंस में आपके सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट हो गए, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं आपको, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे काफी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलते हैं। तो ये कंपलसरी का एक सेट होता है और ऑप्शनल का एक होता है, तो ये आप चूज कर सकते हो। तो आपके मार्क्स अगर साइंस और मैथ्स में ज्यादा है, आपकी रुचि ज्यादा है, तो आप साइंस की तरफ ले सकते हो। कॉमर्स में हो गए सब्जेक्ट्स आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ऐसे वाले सब्जेक्ट हो गए, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये सब बिजनेस, अकाउंटिंग, ऐसे वाले फील्ड्स के लिए एंट्री देते हैं। आर्ट्स में सब्जेक्ट हो गए जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और ये ऐसे वाले सब्जेक्ट्स हो गए आपके, तो ये आपके चॉइसेस हो गए। तो ये सब आप सब्जेक्ट्स ले सकते हो, और ये सब्जेक्ट्स करने के बाद आप फिर ट्वेल्थ बोर्ड आप फिनिश करोगे इन सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद डिग्री चूज करोगे। तो डिग्री किस तरह के चॉइसेस होंगे? जैसे साइंस में आपने लिया है तो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, BSc हो गया, ये डिग्री हो गया आपके।
और कॉमर्स में लिया तो बी कॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीए इन इकोनॉमिक्स हो गया, ये वाले डिग्री हो गए। और आर्ट्स में आपने लिया तो जैसे बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए साइकोलॉजी, तो ये वाले आपके डिग्रीज हो गए। तो ये डिग्रीज के अलग अलग नाम है, ठीक है, ऐसे डिग्रीज होते हैं आपके। तो जैसे आपने ये वाला एचएससी वाला पाथ चूज किया, 12th बोर्ड किया, फिर आपने डिग्री की, तो डिग्री करने के बाद किस तरह की नौकरियां लगती हैं और किस तरह के फील्ड्स हैं। तो साइंस ले लिया तो आपने इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, तो इंजीनियरिंग में कुछ 30-40 इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, तो किसी कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको जैसे एंट्रेंस एग्जाम लिखने पड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर अलग अलग स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम है, और नेशनल ऑल इंडिया जेईई भी एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम लिखो गया। मेडिसिन हो गया तो आपको फिर से एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा 12th के बाद, तो एमबीबीएस डिग्री है तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देखना पड़ेगा, और डॉक्टर ये सब बन सकते हो वहां पे। लेकिन आपके और चार ऑप्शन है, जैसे प्योर साइंस हो गया, जैसे आपको बनना है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, मेटेरियल साइंटिस्ट, ऐसे अलग अलग फील्ड हैं जो जहाँ पे बीएससी एमएससी टाइप की डिग्री होती है, जो उसके लिए भी आपको कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो जैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एडमिशन लेना है तो सीयूईटी एग्जाम है तो वो दे सकते हो आप, या फिर आप जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में लेना है आईसर, ऐसे तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट लिख सकते हो 12th के बाद, तो ये सब आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें फिर एक एक और साइंस करने के बाद एक और आर्किटेक्चर का भी एक पाथ आता है, आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, जहाँ पे बिल्डिंग्स, मकानों, इन सब की डिजाइनिंग करते हैं आर्किटेक्ट्स, तो ये सी 12th के बाद। तो आप ये आगे डिग्री का पाथ अगर चूज करोगे तो 12th एग्जाम्स आपको लिखने, देन 12th में है तो आप उस ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है कि आप आगे क्या करियर चूज करना चाहते हो, और उसके लिए करियर के लिए क्या डिग्री है वो आपको पता करना होगा, और उस डिग्री के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। कॉमर्स में जैसे हो गए सीए, अकाउंटिंग एक पाथ हो गया बीकॉम, और वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक 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 एजुकेशन पाथ है, तो आप सीए का एग्जाम लिख सकते हो, वो 3-4 साल का प्रोसेस है, तो वो एक सीए का फाउंडेशन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, वो कर सकते हो, या फिर नॉर्मल एक डीकॉम बीकॉम जैसे डिग्री का क्या, फिर एमबीए कर सकते हो, फिर आप मैनेजमेंट में कंपनी में जैसे सेल्स में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, एचआर में वहां काम कर सकते हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का काम कर सकते हो, या फिर आप फाइनेंस में काफी फील्ड्स हैं, जैसे एक्चुअरियल साइंसेस, ऐसे सब फील्ड्स हैं जहाँ जा सकते हो। तो कॉमर्स के ये फील्ड्स हो गए। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ इस टॉक में, लेकिन काफी ऐसे हर एरिया में एटलीस्ट 40-50 अलग अलग फील्ड्स हैं। आर्ट्स में हो गया तो आप आर्ट्स की डिग्री करोगे तो लॉ कर सकते हो, आर्ट्स में फिर डिजाइन में जा सकते हो, जैसे फैशन डिजाइन हो गया, या फिर ग्राफिक डिजाइन हो गया, या एनिमेशन में डिजाइन में जा सकते हो, या फिर आप हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, या साइकोलॉजी के डिग्री लेके आप साइकोलॉजी में आप मास्टर्स करके फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट वो काम कर सकते हो, या जर्नलिज्म में जाके फिर आप एज अ जर्नलिस्ट काम कर सकते हो, राइट, या न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया में आप काम कर सकते हो। तो ये सब आपके आर्ट्स के ऑप्शंस हो गए, ठीक है। सो ये हो गए आपके चॉइसेस और पाथ्स। और जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी आप अगर फील्ड चूज करना चाहते हो तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप किस चीज में आपकी ये है आपकी इंटरेस्ट है, किस चीज में आपका स्ट्रेंथ है, और क्या आपकी पर्सनालिटी है, ये चूज करके उसके बाद आपको ये चूज करना होगा।